स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मैथ नंबर वन पर। बात करेंगे आज हम बहुत ही शानदार एक टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में एक टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ऐसे हमने आपको शुरू से ही फंक्शन का डिफिनीशन दे रहा है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप क्या होते हैं, तमाम सवाल का कंसेप्ट मैंने दे करके आपको अलग अलग तरीके से आपको सिखाने की कोशिश किया। आज हम आपको सिखाएंगे कि दो फंक्शन दिया हो तो क्या दो फंक्शन को कनेक्ट करके जोड़ करके क्या एक तीसरा फंक्शन बना सकते हैं, यदि बना सकते हैं तो उसका कंसेप्ट बताइए। तो आज वही कंसेप्ट इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। वाकई में आपने पूरा ध्यान से देखिया तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बहुत ही सरल और शुद्ध शब्दों में आपको मैं बताऊँगा, इसमें किसी प्रकार की आपको शक नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप साफ साफ सरल शब्दों में समझना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए सवाल है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, सबसे पहला मुद्दा मेरा है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। पहले ये टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है, कंपोजिशन माने होता है संयोजन और फंक्शन माने होता है फलन। मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है दो या दो से अधिक फलनों को एक साथ जोड़ना, दो फलनों को एक साथ जोड़ करके एक नया फंक्शन तैयार किया जाता है, तो उसी को बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये प्रश्न सामने कब हुआ, तो प्रश्न जब ये सामने आया कि जब एक फंक्शन डिफाइन था फिर दूसरा फंक्शन भी डिफाइन था, तो पूछा गया कि क्या दोनों को जोड़ करके एक तीसरा बनाया जा सकता है। तो जी हाँ बना सकते हैं। और वह जब बनाया गया तो वही फंक्शन क्या कहलाया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाया। तो ये कोई मतलब बहुत बड़ा कठिन टॉपिक नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें दो फंक्शन को जोड़ करके ही एक तीसरा फंक्शन बनाया गया है, इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखिए एक फंक्शन है ए से बी में डिफाइन है और एक फंक्शन है बी टू सी में डिफाइन है, ये दो फंक्शन है। अब दोनों को जोड़ करके एक तीसरा फंक्शन जोड़ा बनाया जा सकता है, तो इसका उत्तर है हाँ बना सकते हैं। तो तीसरा फंक्शन होगा तो सीधे ए टू सी में कनेक्ट होगा, ए से सी में कनेक्ट होगा, इसी फंक्शन को बोलते हैं गॉफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन ऑफ जी ओ एफ, फंक्शन ऑफ जी ओ एफ, यही तीसरा फंक्शन है, इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यही जुड़ा है, ठीक है ना। अब वो कैसे जुड़ा है आइए इसको बारीकी से हम स्टडी करते हैं। ए टू बी में डिफाइन फंक्शन वाई बराबर एफ एक्स है, जी से बी से सी में डिफाइन फंक्शन जी एक्स, ये जी जो है जी वाई, चूँकि यहाँ ये तो ए से बी में है तो वाई बराबर एफ एक्स है। अब ये वाई क्या हो गया, बी का हो गया और जेड क्या हो गया, सी का हो गया, तब तो वाई से जेड में डिफाइन हो गया, तो वाई बराबर जेड बराबर क्या होगा यहाँ से, है ना, जेड बराबर क्या होगा जी वाई होगा, क्या होगा जी वाई। जैसे यहाँ पे वाई बराबर एफ एक्स होता है, वाई बराबर एफ एक्स, उसी तरीका से अब ये जो है ये एक्स का, चूँकि एक्स यहाँ पे है तो इसमें से आप पहले इसको लिखते हैं तभी लिखते हैं, उसी तरीका से ये समझिए एक्स है ये वाई है, तो वाई बराबर क्या लिखते हैं एफ एक्स इन लिखते हैं, तो y के जगह पर z है, एफ एक्स के जगह पर क्या है y है, तो यानी कि z इक्वल जी वाई लिख सकते हैं। बात एकदम बहुत अच्छे से समझिएगा, और इसको हम लोग जी वाई को लिख सकते हैं, जी फंक्शन ऑफ g, y के जगह पर क्या लिख सकते हैं एफ एक्स लिख सकते हैं। देखिए यही हो गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, एक बार और रिपीट करा देते हैं ध्यान से समझ लीजिए। वाई बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, वाई बराबर फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है, ठीक। तो जब हम लोग y a टू b में डिफाइन है तो हम लोग लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, रुक जाइए, ये y हो गया ये x हो गया, तो हम लोग y बराबर एफ एक्स लिखते हैं, यानी कि इसको लिखते हैं एफ एक्स, इसको एफ के x को एफ एक्स के अंदर लिखते हैं, तो y बराबर एफ एक्स हो गया। अब फिर यहाँ से लिखना हो इसका तो ये समझिए y हो गया और ये आपका x हो गया, तो y बराबर एफ एक्स होता है, यानी कि z बराबर जी वाई हो जाएगा। आज जी वाई के जगह पर क्या भर दीजिएगा, यहाँ से एफ एक्स भर दीजिएगा, एफ एक्स
वही भरे हैं, समझा रहे हैं ना। देखिए अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए टू बी में एक फंक्शन है एफ, जी टू बी में जी जो है बी टू सी में डिफाइन है, तो एफ एम जी के संयोजन को जी ओ एफ से सूचित करते हैं, जो फंक्शन ऑफ जी ओ एफ जो है ए टू सी में मिलता है, और ये तीसरा जो फंक्शन मिला सीधे फाइनल टू फाइनल मिलेगा, ए टू सी में ये डिफाइन होता है। इसको आप लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ जी ओ एफ इक्वल लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ से वो गायब हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, और ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के सभी मानों के लिए, ए के जितने भी मान हैं सी पर हो देगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में करके एफ एक्स लिख सकते हैं, और जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये जी चला जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, और इसके साथ हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का सीधा मतलब होता है कि दो फंक्शन को जोड़कर एक तीसरा फंक्शन बनाना, यही सीधे इसका मुद्दा होता है, और जुड़ेगा तो जो फंक्शन को जोड़ा गया है तो ये वाला फाइनल टू फाइनल मिला है, यानी इसका प्रारंभिक इसका अंतिम रिजल्ट मिला है, इसी को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहा जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ऐसे वीडियो आपको हमेशा चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। बहुत जल्दी ही इस टॉपिक पर मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, ये वीडियो बस इतना ही मिलेगा। वीडियो को मेरा क्रम से देखिए ताकि आपको नॉलेज काफ़ी बढ़े और सीखें, जो भी सीखें आप शुद्ध सीखें, अच्छा सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप।